हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाला है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे क्या, पच्चीस तो इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम सारे केमिकल और बायोकेमिकल फेनोमेनन्स को पढ़ने वाले हैं। तो अब हाँ, और इस टॉपिक में या इस चैप्टर में आपको उनसे होने वाले पॉल्यूशन यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट तीन चीज से बनता है, एयर, वाटर और लैंड। इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज पॉल्यूट हो रहा हो तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये तीनों चीज पॉल्यूट हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ना है एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन के बारे में। और अगर आप एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन के हम बारे में बात करने वाले हैं यानी एयर, वाटर और सॉइल के पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एटमोस्फेरिक या एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की, अगर इसकी हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि एटमॉस्फेयर में होने वाले पॉल्यूशन के बारे में। तो क्लास 11 के सिलेबस के हिसाब से हमें ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन और स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन को ही पढ़ना है। तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन क्या होता है, तो वो जाने से पहले जानते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या है। तो सी लेवल से लेके 10 किलोमीटर अप तक के जो एटमॉस्फेयर होता है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, और उसी के पॉल्यूशन को पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट होगा ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो है पॉल्यूशन। तो स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन का मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर में होने वाले पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो ओजोन लेयर को कंटेन करता है, यानी उसमें ओजोन लेयर होता है। तो अगर हम इसके पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हम बात करें कि ओजोन कैसे बनता है और इसमें पॉल्यूशन, इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में पॉल्यूशन होता है जिस वजह से ओजोन लेयर डिप्लेक्ट कर रहा है, तो उस चीज को पढ़ेंगे। और ट्रोपोस्फेयर पॉल्यूशन की बात करें तो ये ट्रोपोस्फेयर जो है वो 0 to 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल होता है। तो ट्रोपोस्फेयर में को पॉल्यूट, जो ट्रोपोस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं वो दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं। पहला तो है गैसियस पॉल्यूटेंट, गैसियस पॉल्यूटेंट इसे पॉल्यूट करते हैं, और दूसरा है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। तो गैसेस पॉल्यूटेंट में हम बात करने वाले हैं गैसेस पॉल्यूटेंट में बात करने वाले हम लोग हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और हाइड्रोकार्बन, इन सब चीजों के बारे में। और पॉल्यूटेंट, ये पार्टिकल पॉल्यूटेंट में बात करेंगे मिस्ट, स्मोक, इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन की। तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो दो तरह के हैं, गैसियस और पार्टिकुलेट। तो पहले बात करते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स की। तो जो गैसियस पॉल्यूटेंट में चार चीजें होते हैं, पहला ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दूसरा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्साइड ऑफ सल्फर, और चौथा है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो जो पहला इसकी बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में कैसे आते हैं, तो जब भी कोई भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस इनकम्प्लीट कंबशन के प्रोसेस में चला जाता है, जब वो सही तरीके से नहीं जल पाता है, तब उसमें से जो गैस निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और अगर वही सब्सटेंस पूरी तरह से इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसका, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत तरीके से आते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम ह्यूमंस जब सांस लेते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो ये बहुत तरीके हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है. तो इस तो जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के जो इफेक्ट हैं, तो उसमें हम पहले अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा हम ह्यूमंस को ही हार्म कर रहा है. वो कैसे कर रहा है, तो जब वो हमारे बॉडी में आता है, जब हम उसे इनहेल करते हैं वो हमारे बॉडी में आता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसके साथ रिएक्ट करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तैयार कर लेता है. और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को रजिस्ट करता है, ऑक्सीजन को सही तरीके से नहीं पहुंचने देता है. और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो हीट को ट्रैप करता है या यूं बोलो कि उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. और अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में रहेगा तो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. यानी आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. अब बात करते हैं दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की. तो नाइट्रोजन के तीन ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड. तो अगर इसमें हम बोले सबसे जो हमें हार्म करता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो अधिकतर सुपरसोनिक जेट से रिलीज होता है और हमारे जो स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन लेयर है उसके साथ रिएक्ट करता है और ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करता है. अगर हम बात करें नाइट्रोजन के दूसरे ऑक्साइड्स की, तो वो जो है हमें बहुत सारे रिस्पायरेशन प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट करते हैं. यानी हमें बहुत सारे रिस्पायरेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर हम उन्हें इनहेल कर ले तो. और अगर हम अब बात करें सल्फर की, तो सल्फर जो है वो जब भी कोई सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तब सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है. और अगर सल्फर डाइऑक्साइड या लो कंसेंट्रेशन जब उसे इनहेल कर लो तो वो आपको सांस लेने की दिक्कत देगा. और अगर ये रेगुलर होने लगे तो हमें अस्थमा जैसी बीमारियां दे सकता है. और अगर इसका कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम उसे एनवायरनमेंट में बड़े आराम से देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारे फ्लावर बर्ड्स वो जनरली बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट अगर सल्फर डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो वही फ्लावर बर्ड्स बहुत हार्ड होने लगेंगे. और जो चौथा है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. यानी अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है तो कैंसर होने की चांसेस भी बढ़ने लगते हैं. तो ये तो थे हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स चारों. अब जो दूसरा टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट है वो है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट. अब बात करते हैं सेकंड पॉल्यूटेंट की, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट. तो इसमें जो पहला चीज है वो है डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स. तो डस्ट पार्टिकल कहाँ से आते हैं, तो जब भी कोई सॉलिड चीज को हम क्रश या ग्राइंड करते हैं तो उनमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में आके मिक्स हो जाते हैं. तो इनसे हमें क्या नाम है, तो आप ये समझने के लिए इस तरह भी से देख सकते हो कि जब भी हम अपने घर या किसी चीज को साफ कर रहे होते हैं तो अगर वहाँ के जो डस्ट है वो अगर आपके सांस लेने में आपके रिस्पायरेशन थ्रू अगर आपके अंदर चला जाए तो आपको कफिंग या स्नीजिंग जैसे प्रॉब्लम देते हैं. अगर वही डस्ट पार्टिकल आँख में चले जाए तो आँख में इरिटेशन शुरू हो जाती है. और कुछ लोग तो होते हैं जिन्हें डस्ट से एलर्जी ही होती है, यानी अगर डस्ट उनकी स्किन पे लग जाए तो वहाँ पे रैश या फिर छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं स्किन पे. तो ये तो था डस्ट. और दूसरा है हमारा स्मोक. स्मोक तो स्मोक क्या है, धुआं. यानी जब भी कोई भी चीज जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है. तो इसमें वो स्मोक जो है वो अलग अलग तरह के गैसेस को कंटेन कर सकता है. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डिपेंड करता है कि किस चीज को हम जला रहे हैं. तो स्मोक का जो एक रीजन ये भी है कि हमारे सोसाइटी में लोगों को सिगरेट पीने की आदत है. तो सिगरेट से तो जो सिगरेट को पी रहा है वो उसे हार्म कर ही रहा है, बट उसके अगल बगल के लोग को भी वो हार्म करता है. अभी आप एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हो कि दिखाया जाता है कि सिगरेट और टबैको जैसी चीजें जो है कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देती है.
तो हमें जितना हो सके इन सब चीजों को छोड़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो ये था हमारे स्मोक। और अगर हम तीसरे की बात करें तो वो है स्मोक। स्मोक सॉरी स्मोक तो स्मोक क्या है? तो ये स्मोक और फॉग का मिक्सचर है। फॉग कुहासा जो ठंडे के दिनों में अधिकतर देखने मिलता है, यानी जब कुहासे में धुआं जाके मिल जाता है तो उससे बनता है स्मोक। ये स्मोक जो है वो दो तरह का होता है, पहला क्लासिकल और दूसरा फोटोकेमिकल। तो क्लासिकल स्मोक किसे कहते हैं? क्लासिकल स्मोक वैसे को बोलेंगे जब फॉग में सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स रहे, यानी जो ये हमारे स्मोक होगा उस स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, और इसके लिए जो कंडीशन है वो कोल्ड होना चाहिए। कोल्ड कंडीशन होना चाहिए उस समय जो स्मोक बनेगा वो क्लासिकल स्मोक कहलाएगा। और फोटोकेमिकल की अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्लस फॉग, और इन सबको बढ़ाने के लिए होता है सनलाइट। ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और ये जो होता है वो ड्राई वॉर्म एंड सनी क्लाइमेट में ही होता है, यानी हम कह सकते हैं एक कोल्ड कंडीशन में होता है और एक हॉट कंडीशन में होता है। कोल्ड कंडीशन में जो स्मोक होता है उसे क्लासिकल स्मोक कहते हैं वो, तो और वो सल्फर डाइऑक्साइड और फॉग का मिक्सचर होता है। और जो हमारा फोटोकेमिकल स्मोक है वो हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉग और सनलाइट की वजह से होता है, और वो हॉट एरियाज में या हॉट क्लाइमेट में होता है। तो ये तो था हमारा ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन की। अब बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की पॉल्यूट होने की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारा ओजोन लेयर है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा है। तो ओजोन लेयर के अगर बारे में बात करें तो पहले देखते हैं वो बनता कैसा है, बनता वो किस तरीके से, उसका प्रोसेस क्या। तो O2 मॉलिक्यूल जब सनलाइट के साथ इंटरैक्ट करता है तो ऑक्सीजन एटम से ब्रेक होता है, और ऑक्सीजन एटम जब O2 के साथ वापस से कंबाइन करते हैं ये वो O2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं तो वो फिर O3 बना लेते हैं, और इसी तरह हमारा ओजोन लेयर पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ है। बट हम ह्यूमंस में जो ओजोन लेयर में होल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो हम तक पहुँच पा रही है। तो इस ओजोन के डिप्लेशन का रीजन क्या है? तो इसके लिए मेनली दो गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर वन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो जब टूटता है तो उससे बनता है एक Cl का फ्री रेडिकल और एक ClF2Cl का फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जब O3 के साथ कंबाइन करता है तो ये बनाता है ClO प्लस O2, और ये ClO जब रिएक्ट करता है किसी और O2 के साथ तो हमें मिलता है Cl का फ्री रेडिकल और O2। इसी तरह से हमारा जो O3 है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और O2 अगर O3 हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उससे अल्ट्रावायलेट रेज इजीली हम तक पहुंच पा रहे हैं। तो अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो वो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन।
ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें अगर हम देखें कि NO2 जब O3 से रिएक्ट करता है तो ये NO बना लेता है O2। इस तरह से भी हमारा जो O3 है वो टूट रहा है। तो ये दो रीजंस थे जिससे हमारा ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में बात करें तो सुपरसोनिक जेट्स जो है वो जब हवा में रहते हैं तो वो हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, और वो नाइट्रस ऑक्साइड भी O3 को डिप्लेट करने में कहीं ना कहीं बहुत हद तक हेल्प कर रहा है। तो अगर हमारा ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है या उसमें होल हो रहा है तो उससे हम भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला इफेक्ट है वो है स्किन कैंसर। अगर यूवी रेस सीधा हमारे स्किन पे आके स्ट्राइक करे तो इससे हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। अगर यूवी रेस हम पे आके पड़े तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत हद तक इफेक्टेड होगा, वो बहुत हद तक कमजोर हो जाएगा। यानी अगर ओजोन लेयर ना हो तो हम लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। और अगर हम अदर्स प्लैनेट को देखें तो हमें ये देखने में मिलता है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। इसमें हमने बात किया है स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर की पॉल्यूशन की, यानी बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पूरा इस वीडियो में है। और अगर आपको इसके थियोरी देखना हो या अच्छे से चाहते हो इसका थियोरी एक जगह मिले तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसे चेक कीजिएगा। आई होप उसमें आपको इसका प्रॉपर थ्योरी मिल जाएगा। तो गाइस इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए जिसमें वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।